हाय फ्रेंड्स, मैं नवीन, आप मुझे देख रहे हैं कोटा क्लासेस के चैनल पर। और आज एक बहुत प्यारी सी स्टैट्स यानी कि ट्रिक और आपके सामने लेकर के आया हूं, और ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। ट्रिक ये है आपके लिए, ये जो मोटिवेशन स्पीच जो है वो इस रिगार्डिंग है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ये प्रॉब्लम रहता है कि जब भी वो एग्जाम्स, चाहे वो बोर्ड एग्जाम्स हो चाहे वो कोई से भी एग्जाम्स हो, जब भी वो स्कूल के पेपर या बोर्ड एग्जाम्स देखने जाते हैं तो बहुत सारे बच्चे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके जाते हैं, और मेहनत करने के बाद भी घर आकर के उनका जो फेस है काफ़ी ज़्यादा जो है उतर जाता है, ये बोलते हुए कि मेरा पेपर छूट गया, मेरे इतने क्वेश्चन छूट गए, मेरे चार क्वेश्चन छूट गए और मेरे इतने मार्क्स जो है कट जाएंगे। ये उनके लिए बहुत ज़्यादा रिग्रेटफुल जो टर्म्स रहते हैं, यही टर्म्स आज के बाद आप लोग कभी नहीं बोलेंगे। और ये कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूं, ये मेरा इनफ एक्सपीरियंस है टीचिंग लाइन के अंदर, कि आज जो मैं ट्रिप आपको जो ट्रिक जो है मैं आपको आज बताने जा रहा हूं, उसके बाद आपका आज के बाद कभी भी कोई एग्जाम में, कोई भी बोर्ड पेपर में, स्कूल पेपर में कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, और एटलीस्ट आप ये कभी भी रिग्रेट नहीं करेंगे कि मेरा पेपर छूटा है उसकी वजह से मेरे इतने मार्क्स कटे हैं जबकि वो मुझे आता था, मैं पढ़ करके गया था। आज के बाद आपके मुंह से ये वर्ड नहीं निकलेगा, और ये ट्रिक मैं आपको दो मिनट के अंदर अभी समझा दूंगा, और ये बहुत प्यारी ट्रिक है, ये वर्क करती है, और आज के बाद कभी भी आपको ऐसा मायूस या बुरा फील नहीं होगा। सो बेसिकली आज के बाद आपके मुंह से कभी भी ये वर्ड नहीं निकलेगा, रिग्रेट फील नहीं करेंगे कि मेरे को ये क्वेश्चन आता था तो भी मेरे ये क्वेश्चन छूट गए, मैंने बहुत मेहनत करी थी और मेरे मार्क्स कट गए। तो आप इस ट्रिक को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, और ये जो इजी सा जो कंसल्टेंसी जो मैं आपको दे रहा हूं उसको हमेशा फॉलो कीजिएगा, कभी भी आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखिए, मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, वो हमेशा कोई भी पेपर उनको मिलता है, वो पेपर मिलते ही क्या करते हैं, या तो क्वेश्चन पेपर को रीड आउट करने लग जाते हैं, पूरा पेपर क्वेश्चन रीड आउट करने लग जाते हैं। एक्चुअली ये करना बहुत गलत है। अगर आपके पास, क्योंकि आपका एग्जाम बोर्ड का जो पेपर होता है वो 3 घंटे 15 मिनट का होता है, तो शुरू के अगर 15 मिनट आप लोगों को पढ़ने के लिए मिलते हैं तो आप पढ़िए उस पेपर को, पर मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं उसको, क्योंकि उस टाइम शुरू के जो इनिशियल जो 15 मिनट होते हैं उस 15 मिनट में आपको पेपर करने नहीं दिया जाता, 15 मिनट सिर्फ रीडिंग करने के लिए दिए जाते हैं और बाकी के जो 3 घंटे उसमें पेपर करने के लिए दिया जाता है। पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहां पर भी बहुत गलती कर देते हैं कि 15 मिनट के अंदर पूरा पेपर तो पढ़ लेते हैं। अब बच्चों के साथ दो चीजें होती हैं, कुछ बच्चे अगर पूरा पेपर पढ़ने के बाद बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि उनके जो मैक्सिमम क्वेश्चन है उनको लगता है कि ये मैं कर सकता हूं, ये मुझे आते हैं, तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। तो पेपर में कभी आपको इतना ज्यादा एक्साइटेड भी नहीं होना, क्योंकि एक्साइटमेंट की वजह से भी कभी कभार हम क्वेश्चन के आंसर्स जो है भूलने लगते हैं या भूल जाते हैं। और कुछ बच्चे क्या होते हैं, इतने ज्यादा नर्वस हो जाते हैं, मान लो शुरू के 15 मिनट में उन्होंने पेपर का एनालिसिस किया आगे पीछे और देखा कि यार इसमें से मुझे बहुत कम क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो बच्चा क्या होता है बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है, और नर्वसनेस के कारण जितना उसको आता है वो उतने में भी परफॉर्म नहीं कर पाता और उतने मार्क्स भी लेकर के नहीं आता। तो मेरा सजेशन ये है कि मैक्सिमम बच्चा ये जो गलती करता है एटलीस्ट ये गलती ना करें। अगर आपको शुरू के 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए मिल रहे हैं तो आपको सिर्फ इतना सा रहना है कि आपको पेपर पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा, आपको लगता है कि देखो तीन सिचुएशन हो सकती है, आपने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा, तीन सिचुएशन हो सकती है, या तो आपको वो आता होगा या वो नहीं आता होगा या फिर उसमें कंफ्यूजन होगा कि सोचना पड़ेगा, ठीक है। इन तीन कंडीशन के अलावा चौथी कंडीशन आपके सामने नहीं आएगी, या तो क्वेश्चन आपको आता होगा या क्वेश्चन आपको नहीं आता होगा या फिर आपको उस क्वेश्चन के बारे में सोचना पड़ेगा क्योंकि उस क्वेश्चन के आंसर में आपको कंफ्यूजन हो रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको खाली क्या करना है, टिक मार्क लगाने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा, अगर आपको आता है तो उस पर यस लिख दीजिए या वाई लिख दीजिए, नहीं आता तो उस पर नो लिख दीजिए या एन लिख दीजिए, और अगर आपको कुछ क्वेश्चन को सोचना पड़ेगा, कंफ्यूजन है, तो उसके ऊपर आप क्या लिख दीजिए, सी लिख दीजिए, कंफ्यूजन। ऐसा करते करते पूरे पेपर को एनालिसिस करके फिल्टर कर लीजिए और हर क्वेश्चन पे क्या कर लीजिए, मार्क कर लीजिए, यस नो या फिर कंफ्यूजन। आप इस तरीके से पूरे पेपर को क्या कर लेंगे, फिल्टर कर लेंगे, और आपको कोई नर्वस होने की जरूरत नहीं है, ना ही ज्यादा एक्साइट होने की जरूरत है, आप चिल रहिए, कूल रहिए, बस आप पूरे पेपर की क्या कर लीजिए मार्किंग, कि कितने क्वेश्चन को मुझे परफेक्टली आते हैं और कितने क्वेश्चन मुझे नहीं आते हैं और कितने क्वेश्चन में जिनमें जो है मुझे दिमाग लगाना पड़ेगा या कंफ्यूजन है। अगर आप 15 मिनट में ये कर लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत बेटर होगा, हेल्प करेगा। अब आगे की ट्रिक बताता हूं आपको क्या करना है, बचे जो 3 घंटे आपको उसमें पेपर कैसे करना है उसका छोटा सा ट्रिक बताता हूं, पर उससे पहले बताता हूं कि मैक्सिमम बच्चे कौन सी पॉलिसी को फॉलो करते हैं और ज्यादा ज्यादा गलतियां करते हैं और वो मार्क्स कैरी नहीं कर पाते। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं कि उस पेपर के अंदर वो चाहते हैं कि बड़े बड़े मार्क्स से क्वेश्चन में पहले कर लूं। देखिए, ऐसा करने से बच्चों के ऊपर क्या, उनके एग्जाम के ऊपर क्या फर्क पड़ता है वो मैं आपको बताता हूं, कि कॉपी में क्या फर्क पड़ता है वो मैं बता देता हूं। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, 5-5 मार्क्स के 5 क्वेश्चन पहले कर लेंगे, तो आपको मैं एक छोटी सी सलाह दूंगा, ऐसा मत कीजिएगा, वो सोचते हैं कि ज्यादा मार्क्स में पहले कैरी कर लो। आप लोग हमेशा ध्यान दीजिएगा, जो क्वेश्चन पेपर होता है ना वो 3 टाइप के क्वेश्चन से हमेशा बना हुआ होता है। एक क्वेश्चन पेपर में इजी क्वेश्चंस भी होते हैं, एवरेज क्वेश्चन भी होते हैं, और टफ क्वेश्चन ये कि सोचने वाले क्वेश्चन भी होते हैं। 25% जो वेटेज होता है वो इजी क्वेश्चंस का होता है, 50% जो वेटेज होता है वो एवरेज क्वेश्चंस का होता है, और 25% जो है हॉट्स, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, या फिर आप इसे बोल सकते हैं कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन या अच्छे क्वेश्चंस का होता है। ये मिक्सिंग करके पेपर को बनाया जाता है, तो आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, अगर आप 25% अच्छे क्वेश्चंस को पहले ले रहे हैं, क्योंकि
क्योंकि वो ज्यादा ज्यादा मार्क के, तो ऑब्वियस बात है उसमें दिमाग तो लगाना पड़ेगा, ब्रेन तो लगाना पड़ेगा, टाइम कंज्यूमिंग तो होगा ही सही, और ज्यादा एफर्ट्स लगाने भी पड़ेंगे। तो मैक्सिमम बच्चा यही गलती करता है, ज्यादा मार्क्स को कैरी करने के चक्कर में हाई मार्क्स के क्वेश्चन को पहले उठा लेता है। उससे क्या होता है, वो उन पांच क्वेश्चन जो कि पांच पांच मार्क के हैं, हालांकि वो 25 मार्क कैरी करते हैं, पर उसमें ध्यान और देने के चक्कर में पूरा का पूरा वो फोकस पूरा ब्रेन उसमें लगा देते हैं, और इस चक्कर में वो क्या कर लेते हैं, 3 घंटे के पेपर में से 1.5 या 2 घंटा उसी में लगा देते हैं, 1 घंटा 1.5 घंटा या 2 घंटा उसी में लगा देते हैं। और क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन चालू किया है तो वो बीड़ा उठाते हैं कि हम पूरे के पूरे क्वेश्चन करेंगे। अब किसी क्वेश्चन को उनको अच्छा से आता है तो फटाफट कर लेते हैं, किसी क्वेश्चन को नहीं आता है तो भी उसमें जूझते रहते हैं कि मैं तो करूंगा और करके ही पूरा दम लूंगा, उसमें वो टाइम ज्यादा कंज्यूम हो जाता है। और कुछ क्वेश्चन कन्फ्यूजन वाले रहते हैं तो उसमें और ज्यादा टाइम लगाते हैं, नहीं मैं आंसर निकाल करके ही रहूंगा, और कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन में पूरा टाइम दे देते हैं। इस तरीके से उन पांच क्वेश्चन जिनके 25 मार्क टोटल नहीं होते हैं उसमें आप 3 घंटे में से 1.5 या 2 घंटा पूरा वेस्ट कर देते हैं, और आपका टोटल जो वेटेज आता है वो 25 में से मान लीजिए आप, हो सकता है किसी के पूरे 25 मार्क भी आ जाए, हो सकता है किसी के 20 आए, किसी के 15 आए, किसी के 10 आए, क्योंकि आपने टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम कर लिया, क्योंकि उसमें दिमाग बहुत ज्यादा लगता है, समय बहुत ज्यादा लगता है। और आप इन 25 या 20 नंबर के चक्कर में पेपर का 3 में से 2 या 1.5 घंटा आप जो है वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि आने वाले तो फटाफट कर लोगे, नहीं आने वाले और कंफ्यूजन वालों में इतना समय खर्च कर देते हैं कि आपका मैक्सिमम पेपर का समय खर्च हो जाता है। इससे आपके ऊपर साइड इफेक्ट क्या पड़ता है कि बाकी के जो 1 घंटा या 1.5 घंटा बचा है उसमें आपको बाकी के इतने सारे ह्यूज नंबर के क्वेश्चन, मान लीजिए अगर इस साल से 37 क्वेश्चन आएंगे, नया पैटर्न आ चुका है 2019 and 2020 के अंदर, क्या पैटर्न आया है 10th और 12th के अंदर वो भी मैं आपको स्पेशली नए वीडियो में बताऊंगा, पर मैं एक रफली आइडिया देता हूं कि पिछले साल तक तो 27 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली 10th में आते थे, 12th में भी आते थे, साइंस मैथ्स में, और 11th 12th की बात करूं तो फिजिक्स सेमेस्टर के अंदर 27 के आसपास क्वेश्चन आते थे। उन 27 क्वेश्चन में से मान लीजिए 4-5 क्वेश्चन जो है अप्रॉक्सीमेटली, अच्छा इस साल 37 के आसपास आएंगे, पर कुछ मैक्सिमम जो 10 क्वेश्चन से वो एमसीक्यूज बेसिस होंगे, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, पर मैं आपको बताता हूं कि अप्रॉक्सीमेटली मान लीजिए 27 क्वेश्चन है और 27 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन में आपने 1.5-2 घंटा खर्च कर दिया, तो आपके पास अभी भी स्टिल 22 क्वेश्चन बचे हैं। उन 22 क्वेश्चनों में बहुत सारे क्वेश्चन 3-3 मार्क के होंगे, बहुत सारे 2-2 मार्क के होंगे, और बहुत सारे क्वेश्चन 1-1 मार्क के होंगे, तो लास्ट के 1 घंटे में आप 22 क्वेश्चन करने के लिए बारे में सोचते हैं कि अब मेरे पास 1 घंटा बचा है, मुझे 22 क्वेश्चन करने हैं। अब 22 क्वेश्चन करने एक कितने टाइम में करना है, 1 या 1.5 घंटे में करते हैं करना है, तो बच्चा स्ट्रेस में आ जाता है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे 80 मार्क का अगर मान लीजिए साइंस का पेपर है 10th का, या फिर अगर 12th की बात करेंगे तो 12th का अगर आपका मान लीजिए केमिस्ट्री का पेपर है 70 मार्क का पेपर है, तो आप देखते हैं कि मेरे पास 1 या 1.25 घंटा बचा है और मेरे पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है, तो अगर आप कैलकुलेशन लगाएंगे तो ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए अगर आप 10th क्लास के अंदर है तो आपने 25 नंबर के तो बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर ही लिए, तो बाकी का जो पेपर है अभी भी आपके पास 55 नंबर का बचा है, क्योंकि 55 और 25 कितना होता है 80 मार्क का पेपर 10th में आता है। और अगर 12th के स्टूडेंट है तो मान लीजिए केमिस्ट्री का 70 का पेपर है और 70 में से आपने 20 नंबर का अगर आपने बड़े क्वेश्चन कर लिए तो स्टिल आपके पास 50 नंबर का पेपर बचा है और टाइम मात्र बचा है आपके पास 1.25 घंटा, और 1.25 घंटे में आपको 12th में तो 50 नंबर का पेपर करना है, और मान लीजिए अगर आप 10th क्लास के अंदर है तो आपको कितने मार्क का पेपर करना है, अभी भी आपको 55 मार्क का पेपर करना है, तो बच्चा स्ट्रेस में आ जाता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आता है कि मैं कैसे करूंगा। तो इस कंप्लीट करने के लिए, इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए वो क्या करता है, वो इस बचे हुए टाइम में पेपर को बहुत जल्दी जल्दी करने लगता है, जिससे उसकी राइटिंग पुअर हो जाती है, इससे उसकी कॉपी पर इफेक्ट पड़ता है। एग्जामिनर जब कॉपी चेक करेगा तो वो उसके ऊपर भी, उसकी मेंटालिटी के ऊपर भी फर्क पड़ता है कि इस बच्चे को कैसे स्कोर करूं, कैसे मार्क्स दूं। दूसरा, बच्चा फास्ट फास्ट लिखने के चक्कर में प्रॉपर आंसर सही तरीके से नहीं लिख पाता है, क्योंकि वो बहुत सारी चीजें स्किप कर देगा, काट देगा, गलत भी लिख सकता है, और टिल जब आखिरी के 5 या 10 मिनट पढ़ते हैं बचते हैं तो वो हो सकता है कि आखिरी के 5 या 10 मिनट में उसको 4-5 क्वेश्चन करने हो, तो उसकी स्पीड और बढ़ जाती है, राइटिंग और पुअर या गंदी हो जाती है, और जितना उसके अंदर लिखना चाहिए कंटेंट, जितना अच्छे तरीके से प्रॉपर वे में लिखना चाहिए, वो नहीं लिख पाता, क्योंकि उसके दिमाग में एक टेंशन आने लगती है, स्ट्रेस आ जाता है कि पेपर नहीं छूटना चाहिए, पेपर पूरा होना चाहिए। इस वजह से एंड तक आते आते, कॉपी के एंड तक आते आते उसकी राइटिंग पुअर, इम्प्रॉपर आंसर, गलतियों से भरा हुआ आंसर, और बहुत ज्यादा मिस्टेकेबल आंसर लिखे हुए होते हैं उस कॉपी के अंदर, और कोई भी आंसर प्रॉपर तरीके से नहीं होता, हो सकता है आप आंसर भी मिस कर जाएं, भूल जाएं, ढंग से नहीं लिख पाएं, इतनी सारी फ्लॉ और गलतियां आपके पेपर के अंदर आ जाती हैं, और इस वजह से आपका जो प्रॉपर कॉपी का जो ओरिएंटेशन है वो बिगड़ जाता है, और जितना स्कोर आपको करना चाहिए था उतना स्कोर आप कर नहीं पाते, और कभी कभार तो क्वेश्चन भी छूट जाते हैं, इतनी सारी गलतियां हो जाती हैं। तो इन सब गलतियों से बचने से, इन सब गलतियों के करने से बचने के लिए एक छोटा सा वापस एक नुस्खा बताऊंगा, एक नुस्खा तो मैंने आपको बता दिया कि शुरू के 15 मिनट में जब आप पेपर पढ़ते हैं तो क्या करना है, अब जो नुस्खा बता रहा हूं वो
वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि वो नुस्खा क्या है। आपको कुछ नहीं करना है, जब आपको पेपर मिले और 3 घंटा आपका स्टार्ट हो गया जब आपको पेपर करना है तो कुछ नहीं करना है। आपने शुरू के 15 मिनट में पूरे पेपर को फिल्टर कर दिया कि कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन नहीं आते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन में क्या है कन्फ्यूजन है। तो आपको कुछ नहीं करना है, पेपर के अंदर सबसे पहले वो क्वेश्चन करने हैं जो आपको परफेक्टली आते हैं, ना कि बड़े क्वेश्चन, ना कि वो क्वेश्चन कि जिनके मार्क्स बहुत ज्यादा हैं, जिनके मार्क्स बहुत ज्यादा हैं उनको पहले करेंगे तो आपने हाल देख लिया कि क्या होता है, स्ट्रेस में आ जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पेपर में जो 15 मिनट में आपने शुरू किया 15 मिनट में फिल्टर कर लिया कि कौन कौन से क्वेश्चन मुझे परफेक्टली आते हैं, आपको कॉपी में क्या करना है, सबसे पहले वही क्वेश्चन करने हैं कि अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 आता है खटाक से लिख दिया, अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 आता है खटाक से लिख दिया। क्योंकि जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है उसको करने में कभी भी समय नहीं लगता, जो क्वेश्चन आपको परफेक्टली आता है उसका आंसर लिखने में कभी भी टाइम नहीं लगता, बच्चा चुटकियों में लिख देता है, बहुत कम समय के अंदर लिख लेता है। मान लीजिए 27 क्वेश्चन का पेपर है और 27 में से खुदा ना खास्ता अगर आपको 12 क्वेश्चन भी आते हैं या 15 क्वेश्चन भी आते हैं तो वो आपको परफेक्टली आते हैं, तो आप ट्रिक क्या अपनाएं, देख लीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चन मुझे आते हैं और खटाखट उन क्वेश्चनों के आंसर लिखते जाइए और परफेक्टली स्मूथली करते जाइए। आप नोटिस करेंगे मात्र 30 या 40 मिनट के अंदर या 45 मिनट के अंदर 27 में से अगर आपको 12 क्वेश्चन आते हैं या 14 क्वेश्चन आते हैं तो मात्र 30 या 35 मिनट के अंदर वो सारे क्वेश्चन आप कर चुके होंगे, पूरे के पूरे क्वेश्चन के आंसर आपकी कॉपी में आ चुके होंगे। पर ध्यान रखिएगा क्वेश्चन कौन से करने हैं जो आपको परफेक्टली आते हैं। आपने 15 मिनट में पहले टिक कर दिया था कि कौन कौन से क्वेश्चन मुझे परफेक्टली आते हैं, तो जो परफेक्टली आते हैं उनको आप फटाफट 30 से 40 मिनट में बहुत आसानी से कर लेंगे, आपका समय बहुत कम लगेगा और जो जो परफेक्टली आपको आते हैं वो आपने कॉपी में लिख दिए हैं कर लिए हैं। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि आपका एटलीस्ट इतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि जो मुझे पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो तो मैं एटलीस्ट कॉपी में कर चुका हूं, ताकि घर जाकर के ये रिग्रेट तो नहीं होगा कि जो मुझे आता था और वो छूट गया, एटलीस्ट वो रिग्रेट आपको बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे कि सारा का सारा वो मैटर आप अपनी कॉपी में उतार चुके हैं, वो भी 30 या 40-45 मिनट के अंदर जो जो आपको आते हैं, 27 मिनट चाहे वो 10 ही क्वेश्चन क्यों ना हो, पहला आता है लिख दो, तीसरा आता है लिख दो, सातवां आता है लिख दो, 15वां आता है लिख दो, 27वां आता है लिख दो, इस तरीके से आप एटलीस्ट वो सारे क्वेश्चंस कर लेंगे जो आपको बहुत अच्छे तरीके से आते हैं, रिग्रेट आपको नहीं होगा। आपका ये तरीके से आपने पूरा क्वेश्चन पेपर कर लिया जिसमें आपको जो जो क्वेश्चन आते हैं वो आपने लिख लिए। सेकंड पार्ट आपका स्टार्ट ये होता है, अब आपको वो क्वेश्चन करने हैं जिनमें आपको क्या था कंफ्यूजन था, अब वो कंफ्यूजन वाला राउंड पूरा पेपर कंप्लीट कीजिए। थर्ड जो स्टेप आता है पेपर करने का वो ही आता है, अब आप उन क्वेश्चन को लीजिए जो आपको बिल्कुल नहीं आते, अब उन पे सोच विचार कीजिए और उन क्वेश्चंस को कीजिए। तो आपका जो प्रॉपर कॉपी का जो ओरिएंटेशन होगा, इस तरीके से आप क्या करेंगे, इस तरीके से आपका बहुत कम समय में स्ट्रेटेजिक टाइम आउट यानी कि 3 घंटा जो है इस 3 घंटे के अंदर हो सकता है कम टाइम के अंदर भी आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा। 3 स्टेप बताएं, पहले स्टेप में पूरा पेपर में वो क्वेश्चन कीजिए जो आपको इजीली आते हैं, कम समय में हो जाएगा। सेकंड स्टेप में वो क्वेश्चन लीजिए पूरे पेपर के सेकंड राउंड के अंदर कि जो आपको कंफ्यूजन है, जो वो आप कर लेंगे तो थर्ड राउंड आपका आएगा, वो पेपर का थर्ड राउंड आएगा जिसमें आपको क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आते, तो आप उनको एंड में सोच समझ के कीजिएगा, तो आप कम टाइम में पूरा पेपर जो है कंप्लीट कर लेंगे और एटलीस्ट घर पर रिग्रेट नहीं होगा जो आता है वो छूट गया। इस तरीके से क्या होगा, आपका जो कॉपी का जो ओरिएंटेशन होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। कॉपी अगर एग्जामिनर चेक करेगा तो वो क्या देखेगा, पहला पेपर बहुत अच्छी राइटिंग है, पूरे आंसर सही, सेकंड पेज दिखेगा पूरे आंसर सही, थर्ड पेज दिखेगा पूरे आंसर सही, चौथा पेज दिखेगा पूरे आंसर सही, पांचवा पेज दिखेगा पूरे आंसर सही। तो टीचर की मेंटालिटी यानी कि जो कॉपी चेकर उसकी मेंटालिटी क्या हो जाती है कि बच्चा इंटेलिजेंट है, बच्चा इंटेलिजेंट है, क्योंकि आपने शुरू के 4-5 पेज वो क्वेश्चंस करें जो आपको परफेक्टली आते थे। तो जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है ना शुरू के 4-5 पेज और वो देखता है कि अरे इसका ये भी परफेक्ट 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 बिल्कुल सही, तो टीचर की कॉपी चेकर की मेंटालिटी बन जाती है कि बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छा है। अब 6वें पेज से उसके दिमाग में मानसिकता बन गई है और ट्रस्ट हो गया बच्चे के ऊपर कि बच्चा इंटेलिजेंट है, पर आपका 6 या 7वें पेज से तो वो क्वेश्चन चालू हो गए जो कन्फ्यूजन वाले हैं और एंड में जाकर के वो क्वेश्चन चालू होंगे जो कैसे होंगे, जो आपको बिल्कुल नहीं आते होंगे फिर भी आपने करके आए क्योंकि आपके पास टाइम बच गया था, क्योंकि शुरू के 12-15 क्वेश्चन तो आपने बहुत कम समय में कर लिए थे क्योंकि वो आपको परफेक्टली आते थे। तो टीचर का कॉपी चेकर का मेंटालिटी क्या हो जाता है कि शुरू के इतने परफेक्ट आंसर्स क्लियर, तो आप तब तक तो उसको क्या हो जाता है आपके ऊपर ट्रस्ट हो जाता है कि इंटेलिजेंट है, तो बाकी के जो कॉपीज होती हैं बाकी के जो पेजेस होते हैं जिसमें कंफ्यूजन या जिसमें आपको डाउट है, वो क्वेश्चंस जो आपको नहीं आते वो आपने किए हैं, तो वो भी वो क्या करता है ईजिली चेकिंग करता रहता है कि हाँ बच्चा इंटेलिजेंट है, उसने अच्छा ही किया होगा, और पूरी की पूरी कॉपी टिल एंड तक कर लेता है क्योंकि उसकी मेंटालिटी सेट हो गई है, उसका ट्रस्ट आपके ऊपर बन गया है क्योंकि आपके शुरू के 5-6 पेपर जो हैं, कॉपीज जो हैं, पेजेस जो हैं वो अच्छे जा चुके हैं परफेक्ट आंसर के साथ। तो एक पॉजिटिविटी एग्जामिनर के अंदर इस बच्चे के लिए आ जाती है कॉपी को देख करके, तो वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है और बच्चे के ऊपर ट्रस्ट फैक्टर बढ़ाता है। इस तरीके से एग्जामिनर शुरू के 6 पेज अच्छे चेक करता है, उसको राइटिंग अच्छी मिलती है, परफेक्ट आंसर मिलते हैं, तो वो यही एक्सपेक्ट करता है कि आगे के क्वेश्चन भी उसने
बहुत अच्छे किए होंगे, तो जो कन्फ्यूजन वाले और जो एंड वाले जो क्वेश्चन है उसमें भी वो मार्क्स ज़रूरत से ज़्यादा हो सकता है दे दें, हो सकता है अच्छा मार्क्स दे दें। तो इस तरीके से आपको कभी भी पेपर छूटेगा नहीं और आप रिग्रेट नहीं करेंगे, क्योंकि जो आते थे वो तो कर ही लिए, जो कन्फ्यूजन वाले थे वो भी कर लिए, और जो नहीं आते थे अगर वो छूटते भी हैं तो कोई दुख नहीं होगा, पर छूटेगा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपका टाइम पहले ही आप लोगों ने बचा लिया, तो आप वो भी करके आएंगे। तो एटलीस्ट कभी भी आपको किसी भी एग्जाम में कोई भी पेपर करते टाइम कभी भी रिग्रेट नहीं होगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और घर पर आकर के कभी भी आप मायूस नहीं होंगे, और इस स्ट्रैटेजी से आपको पेपर में ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने को मिलेगा, क्योंकि एग्जामिनर का मेंटालिटी आपने बदल दिया, क्योंकि शुरू से ही फॉर्मेट अच्छा रखा, एंड में थोड़ा थोड़ा फॉर्मेट अगर बिगड़ भी रहा है क्योंकि कन्फ्यूजन वाले और एंड वाले हैं, वो भी आप तसल्ली से ढंग से करेंगे, राइटिंग तो एटलीस्ट अच्छी रहेगी, और खराब तो लिखेंगे नहीं, सोच सोच के ही लिखेंगे, तो वहाँ पर भी एंड पर भी एग्जामिनर क्या सोचेगा, इसने इतना अच्छा लिखा तो आगे भी अच्छा लिखा हुआ, तो उसकी मेंटालिटी के अकॉर्डिंग वो अच्छे अच्छे मार्क्स दे देता है, और हो सकता है कि जहाँ उसको मार्क्स नहीं देने वो वहाँ पर भी दे दे। इस तरीके से आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बजाय कि आपकी ट्रिक के कि शुरुआत में आपने बड़े बड़े क्वेश्चन किए और एंड में गलत गलत लिखते गए, उससे मेंटालिटी खराब हो जाती है, राइटिंग इसको राइटिंग गंदी हो जाती है, और आपका जो ओरिएंटेशन है खराब हो जाता है, और वहाँ से आपका स्कोर कम हो जाता है। आई होप आपको ये ट्रिक बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और मैं चाहूँगा कि इस ट्रिक को मुझे पता है कि ये जो वीडियो है काफ़ी बड़ा बन चुका है, बट मैं आपको फिर बोलूँगा, अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा और दूसरों को भी सजेस्ट किया कि एटलीस्ट ये वीडियो पूरा देखना, तो लाइफ टाइम आपको जीवन में कभी भी ये फील नहीं होगा, रिग्रेट नहीं होगा कि मेरा पेपर छूटता है, आज के बाद कभी नहीं छूटेगा, ये मेरा इनफ एक्सपीरियंस है, जितनी मैंने कॉपी चेकिंग की है और ये मेरा टीचिंग का अनुभव है, आज के बाद कभी नहीं छूटेगा, ये गारंटी दे रहा हूँ मैं। और प्लीज़ आप कमेंट कीजिए कि अगर आपको कोई दूसरे टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए तो मैं आपकी बिल्कुल हेल्प करूंगा, प्लीज लाइक कीजिए, आपके लिए मैं बहुत ज्यादा मेहनत करके ये वीडियोस बनाता हूं अपने डेली शेड्यूल में से ये निकाल करके, ताकि आप लोगों को हेल्प मिल सके। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, जितना हो सके फैलाइए, ताकि स्टूडेंट की ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सके। थैंक यू सो मच।